अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। तिलहन के उत्पादन में भारत काफी पीछे है। दूसरी ओर सेहत की वजह से लोगों में प्योर सरसों के तेल के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता बढ़ी है। खासतौर पर कोरोना काल में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने सरसों तेल में किसी भी अन्य तेल को मिलाने पर रोक लगा दी है। इन वजहों से किसानों को सरसों का अच्छा दाम मिल रहा है। भारत में जो खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन है वो घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ है। भारत में खाद्य तेलों की घरेलू मांग लगभग 250 लाख टन है, जबकि उत्पादन महज 111.6 लाख टन हो रहा है। ऐसे में हम आयात पर निर्भर हैं। मांग और आपूर्ति में यह अंतर भी सरसों के दाम में तेजी की एक बड़ी वजह है। ओपन मार्केट में सरसों का अच्छा दाम मिलेगा तो किसान गेहूं और दूसरी फसलों की बजाय इसकी बुआई पर ज्यादा ध्यान देंगे। आमतौर पर किसान उन्हीं फसलों पर फोकस करते हैं जिनका अच्छा दाम मिलता है। हम हर साल करीब 70,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात कर रहे हैं। ऐसे में सरसों का दाम घटने की संभावना कम ही है। दाम अच्छा मिलेगा तो क्रॉप पैटर्न भी बदलेगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार रबी सीजन 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में 18.32 लाख हेक्टेयर में सरसों की अधिक बुआई हुई है। इस साल यानी 2021-22 में 91.44 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है, जबकि 2020-21 में इसका क्षेत्र 73.12 लाख हेक्टेयर था। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सरसों का दाम MSP से ज़्यादा नहीं होता तो बुआई का रकबा इतना नहीं बढ़ पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।